लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। पटना जिले में बाढ़ का जो स्तर है वो 2-3 दिनों से काफ़ी बढ़ गया है और इसको लेकर के नगर निगम, जिला प्रशासन बहुत अलर्ट हो गए हैं। इसके लिए मतलब जिला प्रशासन जो है जो बांध को बंद करने के लिए जो सुरक्षा बांध है इसको भी लेकर के सारे अलर्ट कर दिया गया है कि ताकि किसी भी तरह से शहरों में पानी का प्रवेश न हो। आपको बता दें, बीटा है, मनेर क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है, उसे कई इलाके जो हैं जो संपर्क से टूट गया है। इसके वजह से वहाँ का क्या लोकेशन है, क्या स्थिति है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के जो पटना के DM हैं उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आप सुने। गंगा का जलस्तर पिछले कुछ 2-3 दिनों से बढ़ा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई विकट स्थिति नहीं है। उसी का निरीक्षण करने के लिए कि कितना पानी किस स्थिति में है और जो पटना सुरक्षा बांध है उसकी भी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए टीम के साथ जिला प्रशासन घूम रही है। अभी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सर, कई इलाकों में रात की बारिश से जलमग्न हो गए हैं। अभी सभी जगह पर नगर निगम की टीम लगी हुई है, रात भर मॉनिटरिंग भी की गई है और जहाँ भी पेड़ गिरे हैं या जल जमा हुआ है वहाँ से जल दोनों अवरोध को हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपने सुना कि जो पटना के DM है कुमार रवि ने क्या कहा। आपको बता दें कि जो पटना में जो बाढ़ का स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि 2-3 दिन में जो बारिश हुई है इसके वजह से जल स्तर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। देश दुनिया की खबरें से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।